जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, मैं एक तारीख से दो तारीख तक लोअर सुबनसिरी को विजिट किया, वहाँ जो लैंड अफेक्टेड आदमी लोग से मिला है, मीटिंग किया, जो तीन कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी से मिला है, इन लोग से इंट्रेक्शन हुआ, मीटिंग हुआ। होने का बाद मैंने वहाँ अंदर में जाके देखा है तो सही में बहुत काफ़ी गफला है उसमें। उसमें मैंने जो फाइंड आउट किया है, ये डायरेक्शन ऑफ द डिप्टी सीएम चोनामेन का एम्बलमेंट है, इन्होंने एक मान्यत बना के डीसी को ये मीटिंग करके ऐसे ऐसे करो बोल के डायरेक्शन दिया। उसका माता भी डीसी ने ये करके पब्लिक को दुमरा दमका के ये सब करके वो ऐसे घोटाला किया। और जो जो एम्बलमेंट किया चोनामेन से लेके तीन MLA और जो जो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट जिसका गर्दिन नहीं है, कुछ नहीं है, वो आदमी लोग को इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। जो काल अरेस्ट हुआ है वो सिर्फ जोराम तो आपका ये कॉलोनिंग रोड का हुआ है 40 करोड़ का, एंड अनदर अभी इंसिडेंट है सबसे बिगेस्ट 198 करोड़ का पुटिन तो बोपी है। तो इसका अभी इमीडिएटली गवर्नमेंट जो है अरेस्ट करना है, करके उसका बाद जो रीअसेसमेंट करके एज पर DPR उसका मता भी अभी हमारा बेनिफिशियरी को मिलना चाहिए, हमारा विक्टिम को पेमेंट करना चाहिए। जिसका बिल्डिंग नहीं है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो पेमेंट लिया उसको अरेस्ट के साथ साथ पैसा को रिटर्न लेना चाहिए। वही है आज का जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सर, आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा MLA इन्वॉल्व है ये करप्शन ये में? ये हमको पूरा वहाँ का पब्लिक का जो बोलना मीटिंग में हमने सुना है, यहाँ तीनों MLA इन्वॉल्वमेंट है। आप नाम बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ, उसमें 02 का लिखा साया और 01 का तागे ताकी और वहाँ रागा का कमला मरतम। सर, अगर ये तीन MLA और DCM को अगर अरेस्ट नहीं करता तो एज ए आप लोग पॉलिटिकल पार्टी है ये अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर, तो क्या डेमोक्रेटिक आप मोमेंट स्टार्ट करेंगे? हाँ, मैं पहले भी बोल चुका है, वहाँ का जितना लैंड अफेक्टेड पीपल्स का साथ हम लोग जितना भी कांग्रेस है, कांग्रेस कमेटी है, APCC है, वो नीचे नामेगा और हम लोग धरना और डेमोक्रेटिकली मोमेंट करेगा। वो इसको हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इन लोगों को जो खिलवर करने वाला लोगों को सबको सब अरेस्ट करना चाहिए और हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर लोग को भी से निवेदन है कि इन लोगों को झूठ मूठ मेडिकल सर्टिफाई नहीं करना है, अगर अरेस्ट किया है तो जेल में बिताना चाहिए और प्रोसिक्यूट करना है। आज का दिन में चोनामेन साहब, आप हमारा डिस्ट्रिक्ट में आप मिसलीड करके ऐसे क्यों उतला कर रहा है? अब ऐसा करना नहीं चाहिए था। आप एक सीनियर मोस्ट लीडर है, 25 इयर्स आप मिनिस्टर में है, MLA में है अरुणाचल में, लेकिन आप तो आपको तो डेवलपमेंट देखा ही नहीं मिलता। आप मिनिस्टर पोस्ट में है, इसी चक्कर में है, देखते हुए हमारा डिस्ट्रिक्ट का, हमारा जिला में आप ऐसा क्यों लूट रहा है? हमारा जगह को आगे बढ़ने नहीं देने के लिए आप क्या ऐसा मयूर ऐसा क्यों ऐसा काम कर रहा है? आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अभी ऐसा कीजिए कि आप एक आपका एक सोल्यूशन है, आपने अभी एक मीडिया का साथ रीअसेसमेंट कीजिए, जाके हमारा नाबाम तुकी जैसा, हमारा तकाम सोंजी जैसा का इस समय का जो बदनाम नहीं था, इसी प्रकार अभी जाके किसका कितना बनाया, किसने कितना नहीं मिलना, उसको आप जाके पेस टू पेस प्रैक्टिकल पेमेंट दीजिए। ऐसा होगा तो ठीक होगा, नहीं होगा तो आप ही रेस्पॉन्सिबल होगा अरुणाचल का डेवलपमेंट और हमारा अभी का जो एलिगेशन का आप ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है।